ووصينا الإنسان بوالديه حسنا به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة
बात है। हाँ
Yeah.
उधर
رسول علی بولے اب خدا جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا لگی جو صلوات پر محمد آل محمد پر مطلع من الزیفان بطر کافی دو نور کو ایک نور کے پیکر نے اٹھایا دو نور کو ایک نور کے پیکر نے اٹھایا حسنین کو کاندھے پہ پیغمبر نے اٹھایا حسنین کو کاندھے پہ پیغمبر نے اٹھایا بخشیں گے بقا دین کو قربانیاں دے کر بخشیں گے بقا دین کو قربانیاں دے کر یہ
जिम्मा भी शबीर ने शब्बर ने उठाया, ये जिम्मा भी शबीर ने शब्बर ने उठाया। जब वक्त पड़ा दीप पे दिया अपना लहू भी, इस्लाम का हर नास 72 ने उठाया, इस्लाम का हर नास 72 ने उठाया। और ये शेर बतर का नजर फरमा सुन, हे पीछे ना हटे पीछे ना हटी मकसदे शब्बीर से ज़ैनब, हे पीछे ना हटी मकसदे शब्बीर से ज़ैनब, जो जिम्मा उठाना था वो खार ने उठाया, जो जिम्मा उठाना था वो खार ने उठाया। मसाहब के जिंदा शाह मुलाजा फरमाए, हे अम्मू के करियाई जो मासूम सकीना, हे अम्मू के करियाई जो मासूम सकीना, आगोश में अब्बास से दिलावर ने उठाया, हे भाई से शर्मला जबन माए, हे भाई से छुटी आनो मोहम्मद से भी बिछड़ी, हे भाई से छुटी आनो मोहम्मद से भी बिछड़ी, हर तरह का गम ज़ैनब मुज़्तर ने उठाया, जब दस्ते अलमदार गिरे कट के जमीन पर, जब दस्ते अलमदार गिरे कट के जमीन पर, अब्बास के बाजू को भी सरवर ने उठाया, शब अब्बास के बाजू को भी सरवर ने उठाया, सब कत्ल हुए शाह के अनसार ईज़ा, सब कत्ल हुए शाह के अनसार ईज़ा, हर एक का गम सिबोते पयंबर ने उठाया, मौत आ गई मजलूम को जीने नहीं पाई, मौत आ गई मजलूम को जीने नहीं पाई, क्या क्या न सितम शाह की दुख तर ने उठाया। हम मक्ता मुलाजा फरमाए, आशूर हुआ गर्म जो बाजार
शहादत हे आशूर हुआ गर मुझो बाजार शहादत एक एक कलाशा बिने हैदर ने उठाया एक एक का लाशा बिने हैदर ने मौला हुसैन का जो आज़ादार हो गया मौला हुसैन का जो आज़ादार हो गया उसका सफीना डूबा नहीं पार हो गया उसका सफीना डूबा नहीं पार हो गया कितना अमीर हो गया एक रात का फकीर हुर सुबह को जना का खरीदार हो गया हुर सुबह को जना का खरीदार हो गया फर्शे अज़ा पे बैठ गया जो खुलूस से वो बैठे बैठे खुल्द का हकदार हो गया फर्शे अज़ा बिछाते ही मेराज मिल गई मोमिन का घर हुसैन का दरबार हो गया कहने लगा है गोद का बच्चा भिया हुसैन कुछ ही दिनों में कितना समझदार हो एक सलवात पढ़े मतला मुलाजा हो मुलाजा करें जमीन जानती है आसमान जानता है जमीन जानती है आसमान जानता है नबी के लाल को सारा जहान जानता है उसी मकाम में हुई है विलादत है दर
जमाना जिसको खुदा का मकान जानता है, हुसैन वारिस इल्मे लदुनी है वल्ला, वो कायनात की सारी जबान जानता है, हुसैन वारिस इल्मे लदुनी है वल्ला, वो कायनात की सारी जबान जानता है, हुसैन दश्त के हर मूर्चे से है वाकिफ, कहाँ है कितना कठिन इम्तिहान जानता है, तमाम फितने दबा देगा देखे सर अपना, हुसैन नुस्खे अमनो अमान जानता है, तमाम फितने दबा देगा देखे सर अपना, हुसैन नुस्खे अमनो अमान जानता है, वही हुसैन के गम में बहाता है आंसू, जो शख्स कीमत आहो फगान जानता है, कलेजा फटने की उफ्ताद कोई क्या जाने, मगर हुसैन का कड़ी अल जवान जानता है, तेरा भरा हुआ कुनबा उलट के रख देगा, यजीद तू जिसे एक नातवान जानता है, मुझे हुसैन से है कितनी उनसियत रेहान, मेरा करीम मेरा मेहरबान जानता है, رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله على محمد وعلى محمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तकीन वलजन्नतु लिल्मुवहिदीन वन्नारु लिल्आसीन सुम्मा सलातु वस्सलाम वतहियतु वलिकराम अलर रसूलिल मुसद्दद والمصطفی الامجد ابو القاسم المصطفی محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على دائہم وقتلتہم وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه محمد وعلى آله آپ تمام مومنین کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی سجاد علی ابن محمد یعقوب مرحوم کے ارواح کو سال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى محمد وعلى جل فرج باوز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے اللہ محمد عزیزان گرامی قدر محترم سامعین کرام علماء کرام شعراء کرام اور تمام بزرگان سورہ احزاب کی 21ویں آیت کی تلاوت فرمائی ہے جس میں پروردگار عالم اسوہ اور نمونے کی بات کر رہا ہے۔ قدرت آواز دے رہی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ یا آئیڈیل ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے، یعنی نبی کی زندگی کو دیکھتے جانا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جانا ہے۔ بات چونکہ آج کی تاریخ کا لحاظ بھی رکھنا ہے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ جو مجلسی ماحول ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جو میرے سامنے محترم اور ماشاءاللہ معتبر افراد بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء، علماء اور دیگر تمام نوجوان، انسان جب بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں ان پہلوؤں میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کسی نہ کسی کو اسوہ بناتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر اور پیر کے جوتوں تک زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے انسان کا کہ جو کسی نہ کسی کو دیکھ کے نہ سیکھتا ہو۔ جب بالوں کے جو ہے وہ طریقوں کی بات آئی تب بھی نوجوانوں نے یہی کہا کہ ہم نے کسی کو دیکھ کے ہی سیکھا ہے۔ کپڑا بدلنے کی بات آئی یا لباس پہننے کی بات آئی تب بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم نے دوسروں کو دیکھ کے سیکھا ہے۔ توجہ فرماتے رہیے گا، دیکھیے بات سیرت کی ہے اور اسوے کی ہے تو میں کسی حد تک آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہو ہمارا ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے اس اسٹائل میں یا اس طریقے میں کسی نہ کسی کو رہنما نہ بنایا ہو،
आइडियल ना बनाया हो। अच्छा, मैं पलट के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी में आप जितने भी तरीके हैं, हर तरीके का एक अलग आइडियल क्यों है? पता नहीं मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। ज़िंदगी में हमारे जितने भी तरीके हैं, मैंने कहा सर के बालों से ले के और पैर के जूतों तक, कपड़ा बदलने का अंदाज, पहनने का अंदाज, जो कुछ भी है हमने दूसरों को देख के ही सीखा है। तो ये जितने भी अंदाज हैं हमने मुख्तलिफ किस्म के लोगों से सीखे, किसी हमने सारे तरीकों को किसी एक कैरेक्टर से नहीं सीखा, किसी एक किरदार से नहीं सीखा। तो आइए ज़रा नौजवानों से पलट के पूछा जाए कि भाई आपने हर तरीके को एक अलग आदमी से क्यों सीखा? ये सारे तरीके किसी एक ही कैरेक्टर से क्यों ना सीख लिया? तो पलट के जवाब आया, हम क्या करें अगर ये सारे किरदार किसी एक किरदार के अंदर मौजूद होते। नहीं, दिल लगा के सुनिएगा, ये सारे कैरेक्टर, ये सारे नमूने अगर किसी एक किरदार के अंदर होते तो हम उन्हीं से सीख लेते। ये किरदार का मुख्तलिफ होना, तरीकों का मुख्तलिफ होना इस बात की दलील है कि किसी एक किरदार के अंदर सारे कमालात नहीं है। तो मेरे अजीजों, क्यों ना उससे सीखा जाए, क्यों ना उसको नमूना बनाया जाए कि उस एक के अंदर सारे कमाल हो। नहीं, दिल लगाइएगा, उस एक के अंदर सारे कमाल हो, उस एक के अंदर सारे जो है वो किरदार हो और सारी जो है वो कैफियतें हो। तो सरकारे खत्मी मर्तबत की जात को अल्लाह ने तमाम आलम इंसानियत के लिए नमूना और आइडियल के तौर पर पेश किया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, दिल लगा के सुनिएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, एक है किरदार, एक है तारीख और एक है सीरत। थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा, एक है तारीख और एक है सीरत। तारीख सबकी होती है, हर कसो नाकस की होती है। एक आम आदमी की तारीख, एक शायर की तारीख, एक जाकिर की तारीख, एक मौलवी की तारीख, एक मरसिया नगार की तारीख, तारीखें तो सबकी होती हैं लेकिन सीरत सबकी नहीं होती। दिल लगाइएगा, तारीखें तो सबकी होती हैं लेकिन सीरत सबकी नहीं होती। नहीं, जुमला बदल के कहूँ, तारीख तो सबकी लिखी जाती है लेकिन सीरत सबके मुकद्दर में कहाँ कि उनकी लिखी जाए। तवज्जो फरमाइए, तारीखें तो सबकी लिखी जाती हैं लेकिन सीरत सबके मुकद्दर वाली बात नहीं है कि सीरत सबकी लिखी जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी और वजाहत करूँ अपने नौजवानों के लिए, जिनकी तारीखें लिखी जाती हैं वो सच तो बोलते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जो बोल दे वो सच हो। देखिए, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। जिनकी तारीखें होती हैं वो सच तो बोलते हैं लेकिन ये इम्कान में नहीं कि जो बोल दे वो सच हो। लेकिन जिनकी सीरत नमूने अमल है उनका कमाल ये है कि वो जो बोल दे, वो जो कह दे, उसे वजूद में आना है। अच्छा, इतनी बात अगर नौजवान समझ गए तो एक जुमला इसी मरहले का और सुनिए, जिनकी तारीखें लिखी जाती हैं वो हक पर तो चलते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। तो क्या सुन रहे हैं आप, तवज्जो है। जिनकी जिनकी तारीखें होती हैं उनका कमाल यह है कि वो हक पर तो चलते हैं लेकिन ये इम्कान में नहीं कि जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाए। लेकिन जिनकी सीरत नमूने अमल होती है, मैं आखिरी फर्द तक तवज्जो चाह रहा हूं, जिनकी सीरत नमूने अमल होती है उनका कमाल यह है कि वो जिधर मुड़ जाए, जिधर रुख कर ले हक उधर हो जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, हक उधर हो जाता है तो अब किसी को ये पूछने की गुंजाइश नहीं है कि सैयदा हक पे थी कि नहीं। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। अब किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं है कि सैयदा हक पे थी कि नहीं थी, क्योंकि इनका कमाल ये है कि ये जिधर मुड़ जाए, ये जिधर रुख कर ले
हक उधर हो जाता है। और अगर इतनी बात नौजवानों की समझ में आ गई तो इससे मैं आगे का मरहला सुनाना चाहता हूँ मेरे अजीजों। इसीलिए जो रिवायत में लफ्ज़े हैं ना, वो हक के पीछे अली को तलाश नहीं करना बल्कि अली के पीछे हक को तलाश करना है। मैं बात जो है वो पीछे जाने की है, हक के पीछे अली को तलाश करना है, हक के पीछे अली को जो है वो तलाश नहीं करना बल्कि अली के पीछे हक को तलाश करना है। इसीलिए नबी ने खुद अपनी जबान से ये कहा है, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, तवज्जो है, हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़े, हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़े। देखिए कभी कभी बात अगर सीरत की है तो मैं सारे नौजवानों से तवज्जो चाहता हुआ एक सीरत का पहलू आपको सुनाने जा रहा हूं। बात अगर सीरत की है तो इतना तो समझ में आता है, हम लोगों ने कुछ चीजें ऐसी थी ना जो पढ़ी तो बहुत पहले थी लेकिन समझ में बहुत दिन बाद आई। वो कैसे, मैं आपकी अदालत में रखने जा रहा हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जो हम समझे हैं वो सही समझे या गलत समझे। तवज्जो सुनिएगा, हम लोगों ने एक हदीस सुनी थी पैगंबर की कि अन्नज़रो इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादा, हदीस है पैगंबर अकरम की कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। यह हदीस है कि नहीं है? है, और सारे फिरकों में लिखी हुई है, शिया हो सुन्नी हो कोई फिरका हो। और एक हदीस और लिखी हुई है, अन्नज़रो इला अली ये इबादा, तवज्जो, इस हदीस का तर्जुमा क्या है, अली को देखना इबादत है। और अक्सर उलमा ने कहा कि ये वाली जो हदीस है ना, ये वाली हदीस ज़्यादा है और चेहरे वाली हदीस कम है। आइए ज़रा सा नबी से पूछा जाए कि अन्नज़रो इला अली ये इबादा, ये वाली हदीस क्यों ज़्यादा है और चेहरे वाली हदीस क्यों कम है? तो नबी ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ अली का चेहरा देखना इबादत नहीं है बल्कि पूरा वजूद अली इबादत है। दिल लगा के सुनिएगा, सिर्फ अली का चेहरा देखना इबादत नहीं है बल्कि पूरा वजूद अली इबादत है। तो पलट के नौजवान कहने लगे, क़िबला इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो पढ़ा तो बहुत पहले था लेकिन समझ में बहुत दिन बाद आने वाली शय है? हमने कहा हाँ, मैं दलील दे के जाऊँगा आपकी खिदमत में, बगैर दलील के बात नहीं करूँगा। नबी ने क्या कहा, अली के चेहरे को देखना है इबादत। और नबी इत्तेफाक से जिससे कह रहे थे ना, जिन्हें सुना रहे थे, उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा, या नबी अल्लाह, आपने कहा है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं हूं आंखों से अंधा। समझ के सुनिएगा मेरे अजीजों, सीरत का बड़ा खूबसूरत पहलू है। कहा कि आपने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं हूं आंखों से अंधा, तो मुझसे इबादत छूट गई ना, मैं कैसे इबादत करूं भाई, मैं तो इबादत नहीं कर सकता। तो नबी ने फौरन कहा, जिक्रो अली ये इबादा, तवज्जो है आप हजरात की, नबी ने फौरन कहा जिक्रो अली ये इबादा, अली का जिक्र इबादत है। और ये होशियार मजमा खूब जानता है, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह खूब जानते हैं कि जिक्र का ताल्लुक दो चीजों से होता है, बोलने को भी जिक्र कहते हैं और सुनने को भी जिक्र कहते हैं। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, बोलने को भी जिक्र कहते हैं और सुनने को भी जिक्र कहते हैं। नबी ने कहा कि तुमने एक चीज पूछी थी कि आपने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं आंखों से अंधा हूं। नबी ने कहा, लो मैंने दो चीजें और बताई, मैंने दो बातें और बता दी, अगर तुम आंखों से अंधे हो तब भी जिक्र अली छूटेगा नहीं, तुम करोगे। अगर तुम कानों से बहरे हो तब भी जिक्र अली छूटेगा नहीं, अगर जबान से गूंगे हो तब भी जिक्र अली छूटेगा नहीं, क्योंकि हुब्बो अली ये इबादा, तवज्जो है, क्योंकि हुब्बो अली ये इबादा, अली की मोहब्बत ही इबादत है, अली की मोहब्बत ही इबादत है। और अगर इतना समझ गए तो ये जुमला बड़ा खूबसूरत है जो मैं आपकी खिदमत में तिलावत करने जा रहा हूं। मेरे अजीजों, साहिल नबी से एक चीज पूछ रहा था कि आपने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है और मैं आंखों से अंधा हूं, तो मैं कैसे इबादत करूं? नबी ने तीन बातें और बताई, कहा कि यह मुमकिन तो है
कि इंसान आंखों से अंधा हो तब भी जिंदा है, कानों से बहरा हो तब भी जिंदा है, जबान से गूंगा हो तब भी जिंदगी है, लेकिन अगर दिल काम करना बंद कर दे। तो ये नबी के वो अकवाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर दिल काम करना बंद कर दे तो हयात मुनकता, जिंदगी खत्म। यानी नबी बबांगे दुहल ये कहना चाह रहे हैं कि अली की मोहब्बत ही जिंदगी है। तवज्जो है, नबी बबांगे दुहल ये कह रहे हैं अली की मोहब्बत का नाम जिंदगी है। एक नारे सलवात और पढ़ दे मोहम्मद। तो देखिए माशाल्लाह, बात जो है वो तारीख की है और सीरत की है। तारीखें तो सबकी लिखी जाती हैं, हर कसो नाकस की होती है, लेकिन सीरत सबकी नहीं होती। सीरत होती है ख़ास लोगों की, नहीं सबके मुकद्दर में कहा कि उनकी सीरतें लिखी जाएं। सबकी सीरत नहीं होती। दिल लगाइएगा, मैं दो किताबों के हवालों से आज की गुफ्तगू आप हजरात से करना चाहता हूँ। बात सीरत की है, तवज्जो कीजिएगा। एक किताब है बिहारुल अनवार और एक किताब है हक्कुल यकीन। एक है अल्लामा बाकिर मजलिसी की और एक है अल्लामा मजलिसी की। ये दो तारीख इस्लाम की बहुत बड़ी और बड़ी मोतबर किताबें हैं। इन दोनों किताबों में लिखा हुआ है कि सरकार ख़त्मी मर्तबत के, चूँकि बात सीरत की है लिहाजा मैं ये जुमला आप हजरात की खिदमत में तलावत कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं सबसे तवज्जो चाह रहा हूँ। जितने बरादरान इस्लाम मेरी बात को सुन रहे हैं मैं सबसे तवज्जो चाह रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, दोनों किताबों ने, इन दोनों आलिमों ने लिखा कि सरकार के यूँ तो हज़ारों मोजज़ात थे, लेकिन जिसमें सरकार के तकरीबन 30 मोजज़ात ऐसे थे कि जो दूसरों के अंदर पाए नहीं जाते थे। दिल लगा के सुनिएगा, जिसमें सरकार के तकरीबन 30 मोजज़ात ऐसे थे जो दूसरों के अंदर नहीं थे। तवज्जो सुनिएगा मेरे अजीज़ों, जब सरकार ख़त्मी मर्तबत की मोहब्बत का तस्कर आता है तो परवरदिगारे आलम ने कभी नाम लेना पसंद नहीं किया। जब भी सरकार से खिताब किया, पैगंबर अकरम से खिताब किया, तो अल्लाह ने कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी उसका नाम नहीं लिया। हमेशा अलकाब के ज़रिए से, कभी खिताबात के ज़रिए से, कभी उसका नाम नहीं लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन कितना जल्दी समझेगा इस जुमले को। कभी उनका नाम नहीं लिया। सरकार ख़त्मी मर्तबत का एक लकब है हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह के माने क्या है? अल्लाह के दोस्त। एक नबी का और लकब है इसी कुरान में कि जो है तो दोस्ती के माना में, लेकिन लफ्ज बदल के आई है। जनाब इब्राहिम को कहा जाता है खलीलुल्लाह। तो भाई ये पढ़ा लिखा मजमा खूब जानता है कि खलील के माना भी दोस्त है और हबीब के माना भी दोस्त है। तो अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह है और सरकार ख़त्मी मर्तबत हबीब अल्लाह है, तो फिर सरकार ख़त्मी मर्तबत का मर्तबा बुलंद क्यों है? तो पता नहीं, समझिएगा बात को भाई। वो भी अल्लाह के दोस्त और ये भी अल्लाह के दोस्त, फिर सरकार ख़त्मी मर्तबत का मर्तबा बुलंद क्यों है? जबकि दोनों अल्लाह के दोस्त हैं, तो फिर इनका मर्तबा क्यों ऊंचा हो गया? इब्राहिम का मर्तबा नीचा क्यों हो गया? कहा जाके लुगत को अच्छे से पढ़िए, खलील उस दोस्त को कहते हैं जो अपने दोस्त को बहुत चाहता है। तो सुनिएगा तवज्जो के साथ, खलील उस दोस्त को कहते हैं जो अपने दोस्त को बहुत चाहता है, लेकिन हबीब उस दोस्त को कहते हैं कि जिसका दोस्त उससे बड़ी मोहब्बत करता है। बात को समझिएगा भाई। एक मर्तबा है कि मैं अपने दोस्त को बहुत चाहता हूं, दूसरी बात यह है कि मेरा दोस्त मुझे बहुत चाहता है। तो दोनों बातों में आसमान जमीन का फर्क हो गया। इब्राहिम है खलीलुल्लाह,
सरकार खत्मी मर्तबत हैं हबीब अल्लाह, वो भी अल्लाह के दोस्त, ये भी अल्लाह के दोस्त, तो फिर इनका मर्तबा ऊंचा क्यों है, बुलंद क्यों है? कहा इसलिए कि खलील उस दोस्त को कहते हैं जो अपने दोस्त को बहुत चाहता है, जुमला सुनिएगा, लेकिन हबीब उस दोस्त को कहते हैं कि जिसका दोस्त उससे बड़ी मोहब्बत करता है। अब समझ में आया, इब्राहिम खलील खुदा इसलिए है कि वो अल्लाह को बहुत चाहते हैं, मोहम्मद हबीब खुदा इसलिए है कि अल्लाह मोहम्मद को बहुत चाहता है। वही सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सारे मामले मजलिस पढ़ते पढ़ते अक्सर कहता हूँ और यहाँ आपकी खिदमत में भी दोहराऊँगा कि जब ये सारी चीज़ें हम कुरान करीम के अंदर पढ़ते हैं ना, तो इतना एतबार हो जाता है कि कुरान पागलों के पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान अकलमंदों के पढ़ने की किताब है, कुरान साहिबान फ़िक्र के पढ़ने की किताब है। और अगर इतनी बात समझ गए तो मैंने दो बहुत बड़ी किताबों का हवाला दिया है अभी मैंने आपकी खिदमत में, जिसमें सरकार का एक भी मौजज़ा नहीं पढ़ा, लेकिन माशाल्लाह 20-25 मिनट होने को आ गया, तो दिल अगर लगाएंगे तो मैं ये देखूंगा कि मैं कितने मौजज़ात को पढ़ पाता हूं आज की इस मजलिस में। मेरे अजीज़ों, चूँकि तारीख इसी बात की जो है मुतकाजी है कि यही गुफ्तगू आपसे की जाए, तो हमने देखा हक़ुल यकीन के अंदर अल्लामा बाकिर मजलिसी ने लिखा कि सरकार के जिस्म से मुतालिक तकरीबन 30 मोजज़ात थे। दिल लगाइएगा, उसमें सबसे पहले मोजज़े का जिक्र किया, रेहान साहब बड़ा खूबसूरत है, सबसे पहले मोजज़े का जिक्र किया कि लंबा से लंबा आदमी भी अगर बज़्मे सरकार में आ जाए तो छोटा दिखाई देता था। नहीं, दिल लगाइएगा, कहा कि हक़ुल यकीन है और बेहालुल अनवार, कहा कि लंबा से लंबा आदमी भी अगर बज़्मे सरकार में आ जाए तो छोटा दिखता था। पता नहीं मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। कहा कि जितना बड़ा आदमी भी आ जाए वो छोटा दिखाई देता था। इसका मतलब है कि ये तारीखी अफसाना है कि फला साहब लबी से लंबे थे। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, ये तारीखी अफसाना है कि फला साहब बहुत लंबे थे। मेरे अजीजों, अल्लाह को पसंद ही नहीं था कि मेरे हबीब से ऊंचा कोई हो जाए। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे सलवात अल्लाह। तवज्जो है, तो मैंने जिसमें सरकार से मुताल्लिक पहला मौजज़ा आपकी खिदमत में तिलावत किया कि सरकार के सामने जितना बड़ा आदमी भी आ जाए वो छोटा दिखाई देता था। तवज्जो फरमाई आपने, और किताबों के हवाले से पढ़ रहा हूँ, जिसे देखना है वो जाके इंशाल्लाह बाद में भी देख सकता है। जो मुझे नहीं देख पा रहे, मैं ख़ास तौर से इस जुमले पर बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ उनसे, सरकार के जिस्म से मुताल्लिक एक मौजज़ा ये भी था कि सरकार के बदन से खुशबू निकलती थी। बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, जिसमें पैगंबर से खुशबू निकलती थी। हुजूर, क्या इसकी दलील है किताब के अंदर कि पैगंबर के बदन से खुशबू निकलती थी? हमने कहा, क्या आप हदीसे किसा भूल गए? इमाम हसन ने क्या कहा था, मादरे गिरामी आपके बदन से तो ऐसी ही खुशबू आती है जैसे नाना के बदन से आती है। तवज्जो है आबदात की, आपके बदन से तो ऐसी ही खुशबू आती है जैसे नाना के बदन से आती है। तो ये बात तो तय हो गई कि जैसी खुशबू फातिमा के बदन में थी वैसी ही खुशबू नबी के बदन में थी। तवज्जो है, इतनी बात समझ में आ गई। माशाल्लाह सभी हदीसे किसा की तिलावत फरमाते हैं और अच्छे अंदाज में तिलावत करते हैं। ये बताइए, इमाम हसन ने आने के बाद क्या कहा था? कहा, मादरे गिरामी
मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, यही तो कहा था। अच्छा, शहजादी ने क्या कहा था? कहा कि बाबा जेरे किसा हैं, जाओ चले जाओ। एक बात आप हजरात से पूछूं ताकि मैं अपनी बात दलील के तौर पर रख सकूं। अगर हमारे घर का कोई बुजुर्ग जाके अपने घर की औरत से कहे कि आज मेरे बदन में ज़ोफ है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत नासाज है, आज बच्चों को हुजरे के अंदर आने मत देना, तो ये बताइए कि उस खातून की जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या उसे अंदर आने देगी? दिल लगा के सुनिएगा मेरे अजीजों, नबी क्या कह के गए? नबी ने कहा बेटी मेरे बदन में ज़ोफ है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। तो अब सैयदा की जिम्मेदारी क्या थी? क्या किसी को नबी तक जाने देती? मैं जितना समझ रहे हैं उतना तो आप मेरा साथ दे सकते हैं। कह लगे नहीं, जिम्मेदारी यही थी कि मना करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मना नहीं किया। इमाम हसन आए और आके जेरे किसा चले गए। इतने में इमाम हुसैन आए और आके वही जुमला कहा कि मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। जुमला समझ के दाद दीजिएगा, कहा मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये बताइए कि जब इमाम हसन ने ये जुमला कहा था कि मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूं, तो उनकी बात तो बिल्कुल सही थी, चूंकि जेरे किसा फकत एक खुशबू थी। लिल्ला समझिएगा, चूंकि जेरे किसा फकत एक खुशबू थी और वो रसूल की खुशबू थी। लेकिन इमाम हुसैन आए तो क्या कहा? कहा मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मैं कहूंगा मौला अब तो जेरे किसा दो खुशबुएं हो गई। क्या सुन रहे हैं आप? तवज्जो है, अब तो जेरे किसा दो खुशबुएं हो गई, एक रसूल की खुशबू और एक हसन की खुशबू। लेकिन आपने क्या कहा कि रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तवज्जो है, आपने यही तो कहा, रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूं। इतने में मौलाए कायनात आ गए और आके क्या कहा? कहा जहरा मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मैं कहूंगा मौला जेरे के साथ तीन खुशबुएं हैं। भाई बात को समझिएगा, जेरे के साथ तीन खुशबुएं हैं और आप कह रहे हैं मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं कहूंगा शहजादी अगर आपसे नबी ने मना किया था कि किसी को आने मत देना, मेरे बदन में ज़ोफ़ है, कमजोरी महसूस कर रहा हूं, तो कम से कम आपको अमल तो करना चाहिए था। अच्छा चलिए, बच्चे मचल जाते, बच्चों को आप ना रोक पाती, तो कम से कम शौहर को तो रोक लेती। भाई शौहर पर तो इख्तियार होता ही होता है, आप कम से कम शौहर को रोक लेती। अजबनी शहजादी पलट की आवाज दे कि ये मामला तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हम जब जमा होंगे तभी बाबा का ज़ोफ दूर होगा। नहीं मुतवज्जे रहिएगा, कहा कि हम जब इकट्ठा होंगे ना तभी जाके बाबा का ज़ोफ जो है वो दूर होगा। इस खूबसूरत से मरहले में और खूबसूरत सी समातों के दरमियान मैं खूबसूरत सी बात जो है आपकी अदालत पे रखना चाहता हूँ। ये बताइए कि इमाम हसन आए थे तो क्या कहा था उन्होंने? कहा मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इमाम हुसैन आए तो क्या कहा? मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मौलाए कायनात आए तब क्या कहा? कहा मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैं कहूँगा मौला हसन आपकी बात तो बिल्कुल सही थी, चूंकि जेरे किसा फकत एक खुशबू थी उस वक्त, लेकिन जब हसन आए, जब हुसैन आए तो जेरे किसा खुशबुएं हो गई दो, जब अली आए तो जेरे किसा खुशबुएं हो गई तीन, लेकिन सबने कहा कि रसूल की खुशबू, सबने कहा कि रसूल की खुशबू। यानी अहले बैते अथार ये बताना चाहते हैं कि जब हमारी खुशबुओं में इख्तलाफ नहीं है तो हमारे किरदार में क्या इख्तलाफ होगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आप हजरात की? तो कहने लगे हुजूर जिनकी खुशबुओं में इख्तलाफ ना हो उनके किरदार में कैसा इख्तलाफ होगा, और ये जितने भी अहले बैते अथार हैं इनके किरदार में खुशबू है पैगंबर की। तवज्जो से दिल लगा के सुनिएगा, इनके किरदार में खुशबू है पैगंबर अकरम की। मेरे अजीज़ों, मैंने दो जो है वो आपकी खिदमत में सिर्फ दो मोजज़ात की अभी तिलावत की, और मोजज़ात बहुत से हैं जिस पे पैगंबर से जो मुतालिक हैं, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत सा मोजज़ा मैं ये पढ़ रहा था
कि जब भी पैगंबर वुजू के लिए बैठते थे तो सहाबे कराम इतना एहतमाम करते थे, दोनों किताब का हवाला है, इतना एहतमाम करते थे कि वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि उन्हें एक तश्त में उठा ले जाते थे और बीमार सहाबियों को ये पानी पिलाते थे। पता नहीं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। कहने लगे बीमार सहाबियों को ये पानी पिलाते थे, तो इस पानी का कमाल ये होता था कि बीमार सहाबियों को इससे शिफा मिलती थी। यानी सहाबा इतना एहतमाम करते थे कि पैगंबर का वुजू किया हुआ पानी, देखिए कभी कभी एक जुमले में मजलिस हो जाती है, वो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, पैगंबर का वुजू किया हुआ पानी बतौर तबर्रुक उठा ले जाते थे। पैगंबर का वुजू किया हुआ पानी बतौर तबर्रुक उठा ले जाते थे और बीमार सहाबियों को शिफा मिलती थी। भाई कहां गए जो तबर्रुक का इनकार करते हैं, कहां गए जो तबर्रुक के मुनकिर हैं? भाई सहाबा तो तबर्रुक का एहतराम करते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है, कभी कभी तारीखी हकीकतों को दिल लगा के पढ़ना चाहिए, तब जाके उनसे बहुत सारे ऐसे रुमूज समझ में आते हैं कि जो इंसानी अकल को खोलते हैं। मेरे अजीजों, तो आपने मुलादा फरमाया ये पैगंबर के वुजू के पानी का एहतराम था, ये पैगंबर के वुजू के पानी का एहतराम था। मैं तारीख के मुनासिबत को भरपूर ख्याल करता हुआ एक जुमला और आपकी खिदमत में तलावत करने जा रहा हूँ। मैं जब सारे मोजज़ात को पढ़ने लगा तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा मोजज़ा ये मिला कि अगर पैगंबर अपना लुआब किसी तलख कुएं में डाल दें तो शीरी हो जाता था। दिल लगाइएगा, पैगंबर अगर अपना लुआब किसी तलख कुएं में डाल दें तो मीठा पड़ जाता था, वो पानी मीठा हो जाता था। मेरे अजीजों, जिस पैगंबर के लुआब का ये असर हो उसके खून का क्या असर होगा? दिल लगाइएगा, जिस पैगंबर के लुआब में इतनी ताकत हो उसके खून में कितनी ताकत होगी? बड़े खूबसूरत मौजदात के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत सा मुजज़ा ये भी था सरकार खत्मी मर्तबत का। दिल लगाइएगा कि पैगंबर के पेशानी से नूर निकलता था। दिल लगा के सुनिएगा, पैगंबर की पेशानी से नूर निकलता था। इस बात को तारीख में कहाँ तलाश किया जाए कि पैगंबर की पेशानी से नूर निकलता था? कैसे तलाश किया जाए? तो कहने लगे हुजूर, उम्मुल मोमिनीन की रवायत मौजूद है कि जब मैं अपने घर में काम किया करती थी और काम करते करते मेरी कभी सुई खो जाए तो मैं दिन में नहीं ढूंढती थी, बल्कि रात का इंतज़ार करती थी। रात में जब पैगंबर हुजरे में आते थे तो पेशानी से इतना नूर निकलता था कि दिन की रोशनी भी मध्यम हो जाती थी। अब तो समझ में आया कि पैगंबर की पेशानी से नूर निकलता था, अब तो वाज़े हो गया। और तारीख में यह भी लिखा हुआ है कि जिस पैगंबर की पेशानी से नूर निकलता था उसका कमाल यह था कि वो पूरे बदन को काली कमली से ढक के सोता था। दिल लगा के सुनिएगा, काली कमली से ढक के सोता था। देखिए नौजवान बाज़ औकात ये सुनते तो हैं कि पैगंबर के पास काली कमली थी, लेकिन ये नहीं मालूम कि कमली कहते किसे हैं, कमली है क्या? देखिए कमली का मतलब है चादर, यानी पैगंबर अकरम जब भी सोते थे तो अक्सर काली चादर ओढ़ के सोते थे। दिल लगा के सुनिए, बड़ा खूबसूरत मरहला। पैगंबर जब भी सोते थे, आराम करते थे तो काली चादर ओढ़ के सोते थे। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्हें पैगंबर के चाहने वालों के काले कपड़ों पे बहुत एतराज है। नहीं, दिल नहीं लगाया आपने? पैगंबर के चाहने वालों के काले कपड़ों पे बहुत एतराज है। मैंने कहा सरकार की काली कमली पे कोई एतराज नहीं, और हम काला कपड़ा पहने तो इतना एतराज, इतनी मुश्किल। लेकिन देखिए परेशानी कहाँ से शुरू हुई। आज बहुत से नौजवानों से गुफ्तगू हो रही थी, खास तौर से मुहर्रम की तहजीब और तमद्दुन के हवाले से,
तो जहां सारी तहजीबों की बात आई ना, वहां पे आज शाहगंज में गुफ्तगू करते करते एक बड़ी खूबसूरत सी बात निकली, और वो ये थी कि पहले ज़माने में जब भी चांद रात से पहले जो मुहर्रम का अहतमाम किया जाता था तो कभी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते थे, हमेशा पुराने कपड़ों पर काला रंग चढ़ाया जाता था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा नौजवानों, देखिए मैं यूथ को मुखातब करने का आदी हूँ और ख़ासतौर ये जो नौजवान तबका है यही मुस्तकबिल है हमारा। तो कहने लगे कभी हम लोगों ने नया कपड़ा ज़ेब-ए-तन मुहर्रम में नहीं किया, हमेशा पुराने जो है वो कपड़ों पर काला रंग चढ़ाते थे और उसे अच्छी तरीके से झाड़ के जो है वो अलगनी के हवाले कर देते थे, और उसी कपड़े को या उस जैसे दो तीन जोड़े कपड़े को 2 महीना 8 दिन में हम पहना करते थे। तवज्जो है? लेकिन आज माशाल्लाह आप मार्केट में निकले ना, तो हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट वाले भी खूब जानते हैं कि मुहर्रम का कपड़ा लेने आए हैं ये लोग, दिल लगाइएगा, मुहर्रम का लिबास लेने आए हैं। और ये भी मुहर्रम का लिबास नहीं है, हर तारीख का अलग कपड़ा। अगर 9-10 मुहर्रम को छोड़ भी दिया जाए तो 7-8 जोड़े, देखिए इसमें कोई जो है वो मर्द और कोई खातून इससे जो है वो मुख्तस नहीं है, मैं सबके लिए गुफ्तगू कर रहा हूं। तो कहने लगे कि जब भी पहली मुहर्रम से लेके और 8वीं मुहर्रम तक हम जो है वो कपड़ों पे कपड़े तब्दील किया करते हैं, भाई ये भी कमाल की बात है, अगर हमने आजादारी में समझदारी से काम नहीं लिया तो फिर आजादारी बेकार हो जाएगी, आजादारी किसी काम की नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, कभी हमने नहीं सोचा कि मुहर्रम लिबास तब्दील करने का नाम नहीं है, मुहर्रम किरदार तब्दील करने का नाम है। मुहर्रम में लिबास तब्दील नहीं होते, मुहर्रम में किरदार तब्दील होता है, मुहर्रम में अखलाक तब्दील होता है, मुहर्रम में लिबास थोड़ी तब्दील होते हैं, मुहर्रम में किरदार तब्दील होता है। तो आपने मुलादा फरमा लिया, बात कहाँ से निकली थी? पैगंबर की काली कमली से। तवज्जो है? सरकारे खत्मी मर्तबत जब भी सोया करते थे तो काले कपड़े से, काली चादर से अपने वजूद को ढक के सोया करते थे। लेकिन मैंने जब तारीख पढ़ी तो बड़ा खूबसूरत समरहला सामने आया कि पैगंबर की वो काली चादर भी उस नूर को रोक नहीं पाती थी। अब मैं देखता हूँ कौन कितना जल्दी समझेगा। पैगंबर की काली चादर भी उस नूर को रोक नहीं पाती थी, पेशानी से इतना नूर निकलता था, वजूद से इतना नूर निकलता था। अब तवज्जो, अगर पैगंबर के वजूद से नूर निकल रहा है, पैगंबर के वजूद से खुशबू निकल रही है, तो इंसाफ से बताइए, अगर पैगंबर को अपने बिस्तर पर किसी को सलाना हो तो किसे सलाए? नहीं, बात समझिएगा, अगर पैगंबर को अपने बिस्तर पर किसी को सलाना हो तो किसे सलाए? भाई उसे ही तो सलाएंगे जिसके बदन से नूर निकले। भाई हकीकत को समझिएगा, भाई उसे ही तो सलाएंगे जिसके बदन से नूर निकले। नहीं, मैंने बड़ा हल्का जुमला कह दिया, उसे सिर्फ नहीं सलाएंगे जिसके बदन से नूर निकले, बल्कि उसे सलाएंगे कि जिसके नूर में और नबी के नूर में 19-20 का भी फर्क ना हो। तवज्जो है आप हजरात की? नबी को उसे बिस्तर पर सुलाना है। क्यों? इसलिए कि ये बात तय है कि बाहर जो काफिरीन खड़े हैं वो बड़े समझदार हैं, अगर वो नबी के बिस्तर पर किसी को सोता हुआ देखेंगे ना तो उन्हें जर्रा बराबर आहट नहीं होनी चाहिए कि नबी नहीं बल्कि अली सो रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा कमाल का मरहला है। नबी ने क्या कहा? अली वैसे ही सोना जैसे मैं सोता हूं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अली वैसे ही सोना जैसे मैं सोता हूं। भाई ये भी बड़े कमाल की बात है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? अली को कह रहे हैं कि बिल्कुल मेरी शबी बन जाओ, यानी बिल्कुल वैसे ही सो जाओ जैसे मैं सोया करता हूं। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? अपनी शबी बना रहे हैं। कहा, यही तो तारीख देना चाह रहा हूं कि शबी बनाना बिदअत नहीं है बल्कि सुन्नत रसूल है। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बिल्कुल जो है वो आखिरी मराहिल की तरफ जा रही है। मेरे अजीज़ों, आपने मुलादा फरमाया, मैंने बहुत से ऐसे मोजज़ात आपकी खिदमत में दो बड़ी किताबों के हवाले से आपकी खिदमत में तिलावत फरमाई और ये कहा कि जिसमें सरकार से मुतालिक हज़ारों मोजज़ात हैं, उन मोजज़ात में से मैंने सिर्फ 30 मोजज़े जो है वो इंतखाब किया, वो भी पढ़ नहीं पाऊँगा इंशाल्लाह, और कभी मौका मिला तो ये सारे मोजज़े मैं आपकी खिदमत में तिलावत करूँगा। जहाँ सारे मोजज़े तहरीर थे ना, वहाँ पर जिसमें सरकार खत्मी मरतबत से मुतालिक एक बड़ा खूबसूरत सा मोजज़ा, नौजवानों आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तवज्जो सुनिएगा, एक बड़ा खूबसूरत सा मोजज़ा ये लिखा हुआ था कि पैगंबर जिस सवारी पे बैठ जाते थे वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। दिल लगाइएगा, क्योंकि इस एक मतलब का जवाब भी है इसके अंदर। पैगंबर जिस सवारी पे बैठ जाए, जिस पे सवार हो जाए, उसे कभी बुजुर्गी नहीं आती थी। यानी अगर किसी घोड़े पे बैठ जाए तो वो बूढ़ा नहीं हो सकता था, अगर किसी ऊँटनी पे बैठ जाए तो वो बूढ़ा नहीं हो सकता था, वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी, उस पे बुजुर्गी नहीं आती। तवज्जो फरमाइएगा, खास तौर से बच्चों से कह रहा हूं। तो इसमें एक एक खूबसूरत एतराज का जवाब भी है। लोग कहते हैं ना कि आप लोग इमाम हुसैन की अजमत को बहुत बढ़ा देते हैं और ये कहते हैं कि हुसैन जो करबला आए थे तो रसूल का घोड़ा लेके आए थे, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि घोड़े की उम्र सिर्फ 30 साल होती है या 35 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो भाई, अभी तो मैंने पढ़ा है कि पैगंबर जिस सवारी पे बैठ जाए, तो मैं क्या कह रहा हूं, पैगंबर जिस सवारी पे बैठ जाए उसे कभी बुजुर्गी नहीं आ सकती, वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। भाई, ये भी कमाल की बात है। और एक जो हमारा इमाम आने वाला है ना, वो भी भरी जवानी में आएगा, सुनिए, वो भी भरी जवानी में आएगा। भाई, ये तो तय है, जब पैगंबर की सवारी बूढ़ी नहीं होती तो पैगंबर का खून कैसे बूढ़ा होगा? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब बिल्कुल आखिर मराहिल में है। तो मेरे अजीजों, ये सारे मोजज़ात को पढ़ते हुए तवज्जो, बस इस सिलसिले का, चूँकि दूसरे मासूम के सिलसिले में दो तीन जुमले बस मुझे कहने हैं जिससे तारीख मंसूब है, लेकिन आज के सिलसिले में ये तस्वीर का पहला रुख है जो मुकम्मल होने जा रहा है। जहाँ तक हमने सब सुना, वहाँ पर जनाब उम्मे हबीबा की जब हम लोग तारीख पढ़ते हैं ना, मैं तारीख पढ़ने वालों से तवज्जो चाह रहा हूँ, इस जुमले पे तवज्जो कीजिएगा। तो हमें ये मिला कि फतह मक्का के बाद, ये पैगंबर के जिस्म का एक बड़ा खूबसूरत मौजज़ा है, फतह मक्का के बाद जब जनाबे उम्मे हबीबा के वालिद ईमान लाए ना, तो जनाबे उम्मे हबीबा के घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, दक्कुल बाप किया। जैसे ही दक्कुल बाप किया, जनाबे उम्मे हबीबा ने दरवाज़ा खोला, कहा, आप बाबा जान आप आए हैं? कहा, हाँ। तो मेरे अजीज़ों, कहा कि बाबा अंदर तशरीफ़ लाइए, तवज्जो सुनिएगा, अंदर तशरीफ़ लाइए। मेरे अजीज़ों, जनाबे उम्मे हबीबा के वालिद अंदर तशरीफ़ लाए, वो बैठना ही चाहते थे कि जनाबे उम्मे हबीबा ने कहा कि आप यहाँ ना बैठें, आप तारीख के पढ़ने वाले हैं लिहाजा मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, आप यहाँ ना बैठें। जनाबे उम्मे हबीबा के वालिद ने कहा कि बेटी, मैंने तो सुना था कि इस्लाम में बड़ा एहतराम है वालिदैन का, और अब तो मैंने इस्लाम कबूल भी कर लिया, तो मेरा तो एहतराम करना चाहिए था, तुमने यहाँ बैठने से क्यों मना किया? कहा, बाबा मैं आपको भी जानती हूँ और जिसका बिस्तर है उसे भी जानती हूँ। नहीं, दिल लगाइएगा, बाबा मैं आपको भी जानती हूँ, आपकी भी मारिफत है और जिसका बिस्तर है उसकी भी मारिफत है। यानी उम्मे हबीबा को ये गवारा नहीं कि नबी के बिस्तर पे कोई दूसरा बैठ जाए। तो पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। उम्मे हबीबा को ये बर्दाश्त नहीं कि नबी के बिस्तर पर कोई दूसरा बैठ जाए, ये कोई ऐरा गैरा नहीं था, बल्कि थे उम्मे हबीबा के वालिद।
उम्मे हबीबा के वालिद, मेरे अजीजों वालिदैन का एहतराम तो बहुत है ना, लेकिन ये तय हो गया, कहा बाबा जान मैं आपको भी जानती हूं, जिसका बिस्तर है उसे भी जानती हूं। जब उम्मे हबीबा को ये गवारा नहीं कि नबी के बिस्तर पे कोई बैठ जाए, तो ये कैसे गवारा होगा कि नबी के मिंबर पे कोई बैठ जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिल्कुल मुकम्मल है गुफ्तगु। तो मेरे अजीजों, कभी अगर मौका मिले तो तारीख के मुनासिबत से, तारीख के हवाले से, ख़ास तौर से इस मौजू पे कभी थोड़ी सी तवज्जो फरमा के देखिएगा, जिसमें सरकारे ख़त्मी मर्तबत की बात आई तो हमने देखा कि कभी परवरदिगार आलम ने उसे नाम लेके नहीं पुकारा, हमेशा अलकाब के ज़रिए से खिताब करता रहा, हमेशा खिताबात के ज़रिए से पुकारता रहा, कभी जो है वो नाम नहीं लिया। एक बात मोमिनीन से पूछूं, लिखा हुआ है, तवज्जो सुनिएगा, लिखा हुआ है इन्हीं दोनों किताबों में कि इंसान, चूँकि हमें सीरत कहाँ से लेनी है, पैगम्बर अकरम से, इन्हीं दोनों किताबों में लिखा हुआ है कि इंसान तभी जाके मुकम्मल होता है जब उसके वजूद में चार सिफतें आ जाएं। एक एक जुमला तवज्जो सुनिएगा, जब उसके वजूद में चार सिफतें आ जाएं। कहा कि पहली सिफत का नाम है इल्म हिकमत। जब तक इंसान का वजूद इल्म हिकमत से खाली हो, तब तक उसका वजूद मुकम्मल नहीं होता। यानी वजूद में इल्म भी ज़रूरी है और हिकमत भी ज़रूरी है। इल्म के लिए कुरान ने कहा हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? कहने लगे नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये है इल्म की अहमियत। तवज्जो, अब हिकमत किसे कहते हैं, हमारे बुजुर्गान बताएंगे। पहले ज़माने में जिसे मौलवी पढ़ाया जाता था ना, उसे साथ साथ हिकमत भी पढ़ाई जाती थी। क्यों पढ़ाई जाती थी हिकमत? कहा इसलिए कि वो मौलवियत को पेशा ना बना ले, हिकमत से काम करता रहे, मौलवियत को पेशा ना बनाए, लिहाजा हिकमत साथ साथ पढ़ाई जाती थी। एक कुरान में एक बड़े मोतबर आदमी के नाम का सूरह मौजूद है जिसके पास अल्लाह ने हिकमत रखी थी, उसका नाम है जनाबे लुकमान। क्या नाम है? लुकमान। सूरह लुकमान में परवरदिगारे आलम ने, मैं कहूंगा ए मेरे अल्लाह, बहुत से ऐसे अंबिया मौजूद थे उनके नाम का सूरह तो कुरान में नहीं रखा, और एक हिकमत वाले शख्स के नाम का सूरह कुरान करीम में रखा। कहा मतलब को समझो, वो हिकमत की बातें बता रहा था। तवज्जो सुनिएगा, क्या हिकमत की बातें थी? कहा कि जनाबे लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह शैया, ए मेरे लाल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत देना, अल्लाह का शरीक किसी को करार मत देना। तब समझ में आया, अगर बेटा शिर्क का दुश्मन हो तो बाप हकीम होता है। दिल लगाइएगा, अगर बेटा शिर्क का दुश्मन हो तो बाप हकीम होता है। मेरे अजीजों, एक नसीहत पर लुकमान हकीम, भाई एक वसीयत पर लुकमान हकीम हो गए। सोचिए, जिसके बेटे ने पूरा काबा बुतों से खाली किया हो, भाई एक नसीहत पर लुकमान हकीम, जिसके बेटे ने पूरा काबा ही बुतों से खाली कर दिया हो, उसका बाप क्या हकीम उम्मत कहलाने के लायक नहीं है? है कि नहीं है? तवज्जो है, मतलब बिल्कुल आखिरी मंजिल पर। तो हमने देखा पहली सिफत जो इंसान के वजूद को मुकम्मल करती है उसे इल्म व हिकमत कहते हैं। बात इल्म व हिकमत की तमाम हो गई, अब बुजुर्गों से तवज्जो, बहुत खूबसूरत मंजिल है। दोनों आलिमों ने मिलकर कहा कि दूसरी चीज जो इंसान के वजूद को कामिल करती है उसे कहते हैं अदालत। यानी अगर इंसान आदिल नहीं है तो वो इंसान मुकम्मल नहीं है, अगर इंसान अदालत से काम नहीं ले रहा तो वो इंसान कामिल नहीं, मुकम्मल नहीं। अदालत कहते किसे हैं? मौला ने फरमाया कि यज़ा उस शय अला महल्ले, जिस चीज की जो जगह हो वहां रखना ही अदालत है। तवज्जो, जिसका जो मकाम हो वो उसे देना अदालत है। यानी अगर कोई मिंबर के लायक नहीं था तो उसे बिठा देना जुल्म है।
भाई तवज्जो, उसे बिठा देना जुल्म है, उसे अदालत नहीं कहते। बात अदालत की आई तो एक जुमला सुनिए, अली के पास दो शख्स आए, कहा मौला हमें ये बताइए कि अदालत कहते किसे हैं। तो मौला ने कहा सुनो, मेरे पास चार रोटी हो, मैं दो रोटी एक को दे दूं, दो रोटी दूसरे को दे दूं। तो उसने जल्दी से कहा मौला फिर तो अदालत हो गई। कहा यह अदालत नहीं है, इसे मसावात कहते हैं। तवज्जो, ये अदालत नहीं, इसे मसावात कहते हैं। कहा मौला फिर अदालत किसे कहते हैं। कहा सुनो, जिसकी भूख तीन रोटी की हो उसे तीन दिया जाए। तो मेरी जाने कुर्बान हो जाए मौला के कलाम पर। जिसकी भूख तीन रोटी की हो उसे तीन दिया जाए, जिसकी भूख एक रोटी की हो उसे एक दिया जाए। अगर भूख तीन की थी और दो दे दिया तो जुल्म है। तवज्जो, उसे अदालत नहीं कहते, उसे अदालत नहीं कहते। जितना भूख लगी हो, मौला फरमा रहे हैं अगर उतना दिया जाए तो उसे अदालत कहते हैं। एक नारे सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बिल्कुल मुकम्मल हो गई बात। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया, पहली चीज का नाम इल्म व हिकमत, दूसरी शय बोलिए ना, दूसरी शय है अदालत, जिसके जरिए से वजूद मुकम्मल होता है। अब मासूम ने फरमाया तीसरी चीज का नाम है सखावत, यानी इंसान अगर सखी नहीं है तो इंसान मुकम्मल नहीं है। अगर उसके वजूद में सखावत नहीं है तो इंसान कामिल नहीं है। इसीलिए मासूम ने कहा कि कंजूसों से दोस्ती मत किया करो। यह जुमला है मासूम का, कंजूसों से दोस्ती मत किया करो, बहुत बचाने की कोशिश करेगा और बचाते बचाते डुबा देगा। ये मेरा जो है वो कलाम नहीं है, मासूम का कलाम है। कहा कि तीसरी शय जो वजूद को मुकम्मल करती है उसे सखावत कहते हैं। रसूलल्लाह की रकाब में एक सहाबी जंग कर रहा था, जंग करते करते उसकी तलवार एक काफिर पे चलने ही वाली थी कि नबी ने कहा इसे मत मारो। कहा या नबी अल्लाह ये काफिर है। कहा काफिर हो तो हो सखी है। सुनिए जुमला, कहा काफिर हो तो हो सखी है। सखावत का मर्तबा मालूम है भाई, काफिर कहां जाएगा, उसकी वादागाह कहां है, जहन्नम ना। लेकिन जहन्नम में गया और अगर सखी है तो रिवायत में है कि अल्लाह जहन्नम में उसके सर पे एक शेड डाल देगा। ये जो है वो सखावत का मर्तबा है। अगर आप हजरात इसमें शक कर रहे हो तो मेरे अजीजों चौथी सिफत सुनिए और बात तमाम मुकम्मल। मासूम ने फरमाया कि जो चौथी सिफत वजूद को मुकम्मल करती है उसे कहते हैं शजाअत, यानी बहादुरी। अगर इंसान शजा नहीं है तो इंसान कामिल नहीं है। अगर वो बहादुर नहीं है तो इंसान कामिल नहीं है। बात मुकम्मल मेरे अजीजों, ये पूरा मजमा चाहता है कि चारों सिफतों को एक वजूद में देखे, एक वजूद में तलाश करे। भाई किसे देखे। कहा कि सुनो, इल्म की बात आई तो नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबहा, मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। यह है इल्म की अहमियत। जब अदालत की बात आई तो फिर नबी ने कहा अक्जाकुम अली, तुम में सबसे बेहतर फैसला करने वाला अली है। जब सखावत की बात आई तो मुझसे मत पूछिएगा, पूरे घर के लिए सूरे दहर है। और शजाअत, शजाअत भी मैं नहीं बताऊंगा, खैबर वालों के जख्म आज भी हरे हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, तो बात सीरत की थी, सीरत के हवाले से गुफ्तगु हो रही थी। मैंने इसलिए एक पहलू सीरत का आपकी खिदमत में तलावत किया और एक पहलू सीरत को अपनाना भी तो है। चूँकि हम बाहर तो बहुत कहते हैं कि हम बहुत नबी के चाहने वाले हैं, सबसे पहले बाहर बाद में ठीक करना, पहले अपने आप को ठीक करो, पहले अपने वजूद को बेहतर बनाओ। बात सीरत की है, बिल्कुल मुकम्मल हो गई।
मेरे अजीज़ों, लेकिन हमने देखा अहले बैत हमारी मोहब्बत का नाम नहीं है, रसूल हमारी मोहब्बत का नाम नहीं है, बल्कि अहले बैत और रसूल इस्लाम की ज़रूरत का नाम है। इस्लाम की ज़रूरतें मुकम्मल होती हैं यहाँ पर मेरे अजीज़ों। लेकिन हमने सीरत की ज़िंदगी में ये भी देखा कि इधर सरकारे ख़त्मी मर्तबत की आंखें बंद हुईं, और जैसे ही आंखें बंद हुईं कि पैगंबर की बेटी को ये मरसिया पढ़ना पड़ा कि सुब्बत अलैया मसायबुन लो वन्नहा सुब्बत अलल अय्या में सिर न लया लिया। बाबा आपके जाने के बाद वो मुसीबतें ढाई गईं कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ती तो सियाह रातों में तब्दील हो जाते। मेरे अजीज़ों, मैंने फ़ज़ाइल में आपसे गुजारिश की, ज़रूर आपसे कहा कि आप कैसा सुने, लेकिन मसाइब में किसी से कोई गुजारिश नहीं करूँगा। फ़ज़ाइल में आपने दादो तहसीन से नवाजा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मसाइब का शुक्रिया मैं नहीं अदा करूँगा। मसाइब का शुक्रिया पहलू शिकस्ता शहज़ादी अदा करेंगी, मसाइब का शुक्रिया मौलाए कायनात अदा करेंगे। मसाइब का शुक्रिया कौन अदा करेगा? कहा मौलाए कायनात अदा करेंगे। आपने मुरादा फरमाया, मेरे अजीज़ों, दुनिया इनसे दुश्मनी नहीं करती थी बल्कि इनके फ़ज़ाइल से दुश्मनी थी, और ऐसे फ़ज़ाइल से दुश्मनी थी कि इधर पैगंबर की आंखें बंद हुई, इधर लोग दरवाजे पर आग और लकड़ी लेके जमा हो गए, और क्या कहा? कहा अली को घर से बाहर निकालो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। मेरे अजीज़ों, आपने क्या देखा? सैयदा ने क्या कहा? क्या तुम उस घर में भी आग लगा दोगे कि जिसमें जो है वो नबी के नवासे रहते हैं? तो पलट के जवाब आया, हाँ हम उस घर में भी आग लगा देंगे जिसमें नबी के नवासे रहते हैं। मेरे अजीज़ों, समझ लेना बहुत आसान है लेकिन इसे दर्क करना बहुत मुश्किल है। आप हजरात अगर मसाइब की दुनिया में मेरे साथ हैं तो आइए मैं दिखाऊँ पैगंबर की ज़िंदगी में अहले बैत का इतना एहतराम करने वाले लोग। हमने देखा कि इधर नबी की आंखें बंद हुई, इधर लोगों ने अली को सलाम करना तक छोड़ दिया, अली को कोई सलाम भी नहीं करता। लोगों ने आके जनाबे जहरा से कहा, मदीने की औरतों ने कहा कि हमने देखा कि मदीने से लोग गुजर रहे थे और अली को सलाम नहीं कर रहे थे। जहरा इस जुमले पे बहुत रोई, जहरा ने बहुत गिरिया किया कि लोग अली को सलाम नहीं करते। मेरे अजीजों, जैसे अली घर में तशरीफ लाए तो एक जुमला कहा, कहा जहरा ने कहा, अली मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। पता अली ने क्या कहा? बीबी अब बात ये नहीं है कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, अब मैं लोगों को सलाम करता हूं तो लोग जवाब के लायक मुझे नहीं समझते। सुन ली आपने, ऐसे नहीं रोया जाता, ऐसे आंसू नहीं बहाए जाते। मेरे अजीजों, हक के गिरिया और मजलिस में आने का हक तो यही है। पता नहीं इबादतें कौन सी कबूल हो रही या नहीं हो रही, लेकिन हाँ अगर दो कतरा आंसू गमे हुसैन में बहा के जाएंगे तो ये फ़र्ज जिस पे बैठे हैं ना, ये रोज़े महशर गवाही देगा कि हाँ ये शख्स। और क्या आप भूल गए कि मजलिस में सैयदा नहीं आती? क्या मजलिस में ज़ैनब नहीं आती? क्या मजलिस में अली मुर्तज़ा नहीं आते? मेरे अजीज़ों, पता नहीं सैयदा किसका चेहरा देख रही हो, पता नहीं ज़ैनब किसके चेहरे पर निगाह कर रही हो कि मेरे भैया के मसाइब हो रहे थे, मेरे भैया के मसाइब थे और तुम रो नहीं रहे थे। बात जब मसाइब की आती है तो मेरे अजीजों, रसूल की जिंदगी के बाद मसाइब तमाम नहीं हुए, मसाइब खत्म नहीं हुए, बल्कि हमने क्या देखा कि हसन को जो बहनों ने सफेद कफन पहना के रुख्सत किया था, जब वो जनाजा दोबारा घर में आया ना तो तीरों से लहूलुहान जनाजा था। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाए गमे इमाम हुसैन के, सिवाए गमे इमाम हसन के। मेरे अजीज़ों, कोई गम न दे। एक जुमला आप हजरात से पूछूं, इंसाफ से बताइए, क्या जुल्म की इंतहा हो गई? कहा नहीं, अभी जुल्म की इंतहा नहीं हुई, इतने जुल्म हुए कि तारीख कांप गई। मेरे अजीज़ों, इमाम हसन के जनाजे को ले के लोग जा रहे थे लेकिन लिखा हुआ है कि 7 तीर ऐसे थे जो हसन के जनाजे में लगे हुए थे और उनकी वजह से हसन का जनाजा लहूलुहान था। वह मुझे तो
ये कहने दीजिए कि कितनी शबाहत है हसन के जनाजे में और हुसैन के जनाजे में। हसन के जनाजे में तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरों पर था। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाए गमे इमाम हसन के। बात तमाम हो गई मेरे अजीजों, सिर्फ एक जुमला और आप आज की खिदमत पर तिलावत करूँगा, बात तमाम कर दूँगा। लिखा हुआ है जब इमाम हसन को मसमूम किया गया, जहर दिया गया, तो मौला की कैफियत ये थी कि मौला बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे, पूरा बदन जो है वो मसमूम हुआ जा रहा था मेरे अजीजों। और सिर्फ मसमूम नहीं हुआ बल्कि जिगर के टुकड़े गिर के तश्त में आ रहे थे। जब मेरे अजीजों जिगर पाश पाश होने लगा और टुकड़े जमीन पर गिरने लगे, तो एक मर्तबा तश्त लाके हुसैन ने रखा ताकि जिगर के टुकड़े तश्त में गिरे। लेकिन हसन ने एक जुमला कहा, कहा कि हुसैन इस बात का ख्याल रखना कि मेरी बहन ज़ैनब की निगाह इस तश्त पर ना पड़ने पाए। मैंने मसाइब तमाम कर दिए, जो रोया सो रोया, जो नहीं रोया वो इस जुमले पे इंशाल्लाह रो देगा। मेरे अजीजों हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में आने लगे। इतने में एक दो या ढाई साल का बच्चा आया जिसका नाम कासिम था, वो आके हसन से लिपट गया। लिपटना था कि एक मर्तबा मेरे अजीजों में फरवा ने क्या देखा और बच्चे को जुदा करने लगी। हसन ने एक जुमला कहा, कहा ए उम्मे फरवा, कासिम को जुदा मत करो, इसलिए कि मैं देख रहा हूं यही मेरा लाडला होगा जो करबला के मैदान में जिसके टुकड़े हुसैन चुन के मक्तल से लाएंगे। मसद तमाम हो गया, मसाइब तमाम हो गए मेरे अजीजों। मैं कहूँगा आखिर में कि हसन बड़े खुशकिस्मत हैं, तीर लगे जनाजे पे लेकिन जनाजे को दफन तो किया गया, जनाजे को गुसल तो दिया गया। लेकिन हाँ मेरे अजीजों, जब बात करबला की आती है तो मैंने एक मंजर और भी देखा कि जवान बेटा मौजूद था लेकिन हाथों में हथकड़ियाँ मदी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ मदी हुई थी। उसने जब अपने बाप के जनाजे को देखा तो चेहरे का रंग उतरने लगा। ए फूफी अम्मा, इन लोगों ने अपने नजिस जनाजों को दफन कर दिया लेकिन मेरे बाबा का जनाजा बेगौरों कफन पड़ा है और मैं इतना मजबूर हूं कि मैं उन्हें गुस्लो कफन भी नहीं दे सकता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिकज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह बीमार करबला का वास्ता, अगर इस पूरे मजमे में कोई ऐसा आदमी है कि जो मकरूज है, जिसके कर्ज अदा नहीं हो पा रहे, तो परवरदिगार तुझे इमाम हुसैन का वास्ता उसके कर्ज को गैब से अदा फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे सखी हुसैन का वास्ता, अगर कोई बे औलाद इस मजमे में बैठा है, परवरदिगार तो तुझे वास्ता है जनाब अली असगर का कि उसे साहिब औलाद बना दे। मेरे अजीज़ों अक्सर लोग कहते हैं कि अगर दुआएं ना कबूल हो ना तो फर्शे अज़ा पे बैठ के दुआ किया कीजिए, और ख़ास तौर से जब आंसू निकल रहे हों, दिल नरम हो, तब दुआएं किया कीजिए। क्यों? इसलिए कि हुसैन के बच्चों का तस्करा होता है, हुसैन इब्ने अली का तस्करा होता है। जहाँ सारे तस्करे हैं ना, एक सिर्फ एक मिनट के लिए एक रिवायत पढ़ूंगा और मतलब तमाम कर दूंगा, अपने हक में दुआ कीजिएगा ज़रूर। रिवायत में लिखा हुआ है कि अगर कोई यतीम बच्चा सामने हो तो अपने बच्चों को प्यार मत किया करो। मासूम से पूछा गया क्यों, कहा इसलिए कि जब वो यतीम बच्चा तुम्हें प्यार करता हुआ देखेगा तो उस यतीम को अपना बाप याद आने लगेगा। लिहाजा अपने यतीम बच्चों को, किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों को मोहब्बत मत किया करो, प्यार मत किया करो। मेरे अजीज़ों कोई भी दुआ फर्श अज़ा पे, खुदा की कसम अगर हुसैन के बच्चों के हवाले से मांग ली जाए तो अगली मजलिस में जाने से पहले कबूल होगी, इतना इत्मीनान रख के जाइए। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। परवरदिगार तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, ए मेरे अल्लाह ज़माना बहुत पुराशोब है, बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है,
जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हों उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे अहले बैत अथार का वास्ता, बानियान मजलिस ने जिस अपने नूरानी मकसद के तहत मजलिस का इनकाद किया है उन्हें मकसद में कामयाबी अता फरमा। मेरे अल्लाह, तुझे अहले बैत अथार का वास्ता जिस मरहूम के लिए इस मजलिस का अहतमाम किया गया है, परवरदिगार उनके तमाम गुनाह ने कबीरा और सगीरा को बख्श दे। और आखिर में खुसूसी दुआ यह है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन बार सूरह इख़लास की तलावत फरमा कर हाजी सज्जाद अली इबन मोहम्मद याकूब मरहूम के अरवाह को इरशाद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली मालिक यौम अद्दीन या कर बिस्मिल्लाह अंजुमन सज्जादिया से गुजारिश है कि उन्होंने मातम के लिए फर्श मातम पे तशरीफ ले आए। अंजुमन हुसैन अंजुमन सज्जादिया पढ़ाएंगे आपके रूबर। Hey।
वतन चलो भैया।